जनपद के कापोगंज ब्लॉक में विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर घोसी विधानसभा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा विजय राजभर ने कोपागंज ब्लॉक के कई दिव्यांगों को व्हीलचेयर और ट्राई साइकिलें बांटी। इस दौरान उन्होंने कई लोगों की समस्याएं सुनी, उनको जल्द निपटाने का आश्वासन दिया। वहीं विधायक विजय राजभर ने बताया कि हमारा प्रयास है कि कोई भी दिव्यांग इस सुविधा से वंचित ना हो पाए, जिसके लिए हमारे निधि से इन लोगों को सुविधा मुहैया कराई जा रही है और हमारी सरकार की मंशा है कि सबको साथ लेकर चले, सबके सुख दुख में शामिल हो, भाईचारा कायम रहे। पेश है हमारे मऊ संवाददाता विनय श्रीवास्तव की एक खास रिपोर्ट। हम तो ना पैसा दे देखो दे, रुकल वही खातिर अलग जनपद नहीं पैसा ना देते वहाँ से। हमार दुर्भाग्य है कि कहला कि हम जब बननी तब से हमारे निधि चल गई कोरोना में, नहीं तो हम तो एक करोड़ रुपया हम दे दिव्यांग खातिर, एक करोड़ रुपया ठीक ना पूरा दे दी तो को खाली बैटरी चलबे करी मऊ में ठीक ना। हाँ 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 उमेश जी, अच्छा आप ही दीजिए तुमसे बताएगा हमारी मऊ तीन चक्के की होती है। अगर मान लो सक्षम है स्कूटी चला चाहे तो उसके लिए है तो प्रावधान है, राजीव गांधी फाउंडेशन ट्रस्ट के तरफ से भरा जाता है ऑनलाइन फॉर्म और उसका साल में 100 ये स्कूटी बांटी जाती है पूरा ऑल इंडिया में। नहीं है हमारे रितेश बंदल जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी मऊ। आज 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, उसी के उपलक्ष्य में आज ट्राई साइकिल व्हील चेयर कान की मशीन और वॉकिंग स्टिक ब्लाइंड वॉकिंग स्टिक बांटने का कार्यक्रम है। माननीय विजय राजभर जी के सौजन्य से ये वितरण किया जा रहा है। कुछ दिन पहले 4 ब्लॉकों में असेसमेंट हुआ था, उन्हीं 4 ब्लॉकों का आज वितरण यहाँ किया जा रहा है। सर आज कोपागंज ब्लॉक से कितने लोगों को आज दिया जा रहा है? जी कोपागंज ब्लॉक से सब मिला के करीब 42 लोग हैं, मतलब तीनों वितरण को लिस्ट दे दी जाएगी। ठीक है।